रिफ्लेक्ट्स सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सेंटिमेंट। एंड पद्मश्री शाह रशीद अहमद कादरी इज ज्वाइनिंग मी। कादरी साहब बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो ये बता आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जो प्रधानमंत्री को कहा वो कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपने साफ तौर पे ये कह दिया था कि उनको आपको उम्मीद नहीं थी कि भाजपा सरकार में आपको इस तरह का अवार्ड मिलेगा। नहीं, क्यों क्यों बोला का मतलब क्या है? मेरे दिल में जो था वो बयान कर दिया हमने। जी, आपने सही बोला, जो आपके दिल में था आपने कह दिया। पद्मश्री, जो ये इज्जत है वो आप बोल रहे थे कि आप, क्योंकि आपने ये काम बहुत सालों से किया है, आपको जब फोन आया और आपको खबर मिली इस बात की कि आपको पद्मश्री मिल रहा है मोदी सरकार में, तो कौन कौन था आपके आसपास, क्या हुआ उस दिन, बताइए हमें। 25 जनवरी को सुबह 11:15 बजे फोन आया था, 11:15 बजे फोन आया था, होम मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी फोन किए, मुबारक हो आपको पद्मश्री अवार्ड के लिए आप चुने गए। आप जी, तो सारा दिन मैं ऐसा इमोशनल हुआ कि मैं आंखों से आंसू बहाते रहा और खुशी में सारी रात सो भी नहीं सका। मैं तकरीबन 2 रात तक नहीं सोया। मैं 26 तारीख को मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सम्मान करे स्टेडियम में करने के बाद, उसके बाद जैसा बीजेपी गवर्नमेंट मेरे को जैसा चुनी उसी तरीके से 26 जनवरी को तकरीबन 1,500 आदमी, 26 जनवरी से लेके 15-20 दिन तक 1,500 आदमी मेरा सम्मान करने के लिए आए, वो भी बीजेपी के लोग थे, कांग्रेस के बहुत कम आए थे कांग्रेस में। आपने जो बोला कि जो आपका अभिनंदन किया लोगों ने, जो आपको मुबारकबाद दी, वो ज्यादातर भाजपा के लोग थे, लेकिन कादरी साहब आपको यूपीए सरकार से क्यों उम्मीद थी और आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि जो सरकार जब बदली यहां पर कुछ ये सम्मान नहीं मिलेगा, ये इज्जत आपको नहीं मिलेगी? नहीं, देखिए मेरा प्रोफार्मा इतना मोटा है कि शायद किसी कारीगर के पास नहीं इतना मोटा प्रोफाइल, उसके पर मेरे को उम्मीद थी कि मेरे को मिलेगा, इसलिए मैं हर साल कोशिश करता था, 5 साल कोशिश करा, फिर उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई तो मैं छोड़ दिया। उसके 5 साल के बाद फिर मेरे को 25 जनवरी को मालूम हुआ कि मैं पद्मश्री के लिए चुना गया हूँ। आपने उम्मीद कांग्रेस की सरकार से की, लेकिन इस सरकार ने आपकी ये जो ख्वाहिश थी दिल की वो पूरी की, लेकिन उम्मीद क्यों छोड़ा आपने? क्योंकि बीजेपी वाले मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनसे और मुखालिफत करते हैं, तो मैं बोला इनके पास अप्लाई करना बेकार है, ये हमको कुछ नहीं देते। मगर मोदी जी मेरे ख्याल को, मेरी सोच को गलत साबित करके मेरे को चुन लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया आपने हम लोगों को वक्त दिया और आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस अवार्ड। लेट मी ब्रिंग इन माय गेस्ट एंड देन आई विल हैव अनदर पद्मा अवार्डी।